हेलो बच्चों, सारे नु सत श्री अकाल। मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे जिन्हां ने मैनू कॉल की सी कि सर तुसी हिंदी दी राइटिंग सानू दस दिओ। मैं ऑलरेडी वैसे ये वीडियो तैयार किया होया सी तां कि तुहानू जिहड़ा हिंदी दी राइटिंग जिहड़ी है उहदे बारे दसां कि हिंदी दी राइटिंग असीं किस तरह करनी है। सो बच्चों, अज एक काम करते हैं, असीं हिंदी दी क्लास लै रहे हैं, अज हिंदी विच ही गल करांगे। तो चलिए बच्चों, आज हम सभी मिलकर के क्या करेंगे? आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी की लिखावट, हिंदी का कैसे हम राइटिंग करते हैं, हिंदी को कैसे जो हमारे वर्ण हैं उनको कैसे लिखते हैं, उसके बारे में आज बेटा हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने फ्रेश हो जाके के बैठ जाना है, अपनी रफ़ कॉपीज़ निकाल लेनी है राइटिंग के लिए। आपने आज राइटिंग करनी है मेरे साथ। जैसे जैसे मैं राइटिंग करूँगा, आप सभी बच्चे बड़े प्यार से वैसे ही राइटिंग करोगे, ठीक है? तो राइटिंग से पहले बच्चे, मैं आपको एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आपकी जो पेंसिल है, पेन है, जो भी आप यूज़ करोगे, वैसे तो कोशिश करो कि आप पेन ही यूज़ करो ताकि राइटिंग जो है अच्छे से आपके सामने निखर करके आए। जैसे भी आप लिखोगे पहले, वैसी ही राइटिंग आपके सामने आए। तो बच्चे, फ्रेश हो करके पानी पी करके बैठना है, आराम से बैठना है, शोर नहीं करना है, उस जगह पर बैठना है जहाँ पर शोर नहीं है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सके, आप लिख सको। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कि हिंदी की राइटिंग में आज सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जानेंगे कि स्वर जो हैं हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बेटा सबसे पहले तुसी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो लिखना है, देखो बड़े आराम से मैं आपको बिल्कुल नज़दीक करके दिखाऊंगा। ये देखिए कैसे डालना है, बिल्कुल आराम से ऊपर से नीचे लेके आना है, फिर यहाँ से शुरू करना है, ठीक है? फिर ऊपर से एक लाइन जो है आपने खींच देनी है नीचे, ठीक है? और ऊपर से इसको मिला देना है, ठीक है? तो ये आपका बन गया अ अ अनार। अब करेंगे आ आ आम, ठीक है? तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही घुमाना है, ऐसे घुमा करके जैसे पिछला हमने किया था वैसे ही बीच में से लाइन निकालनी है, ऊपर से खींचनी है, और हमें इसको साथ में एक लाइन लगा के ऊपर से हमको इसको मिला देना है। तो ये बन गया हमारा आ आ आम। इसके अलावा हम नेक्स्ट करेंगे ई। ई के लिए ऊपर से हम सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो ई कैसे होती है। तो ऊपर से सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक लाइन निकालते हैं छोटी सी, उसके बाद इसको घुमा करके नीचे लेकर आएंगे, घुमा ऊपर इसके हम एक लाइन लगा देंगे तो हमारी ई बन गई। अब बड़ी ई, बड़ी ई को भी ऐसे हमने ऊपर से लाइन निकाली, पहले लाइन निकालने के बाद वैसे ही छोटी सी लाइन हमने साथ में खींचनी है ऐसे, और उसके बाद हमको इसको घुमा करके ऐसे ले आना है नीचे। बड़े आराम से देखो बेटा, बहुत आसान है, बार बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा हम ऊ डालेंगे, देखो पहले बनावट कैसी है, अब वहाँ पर देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे घुमा देना है तो बन गया ऊ। ओके, तो ऊ के बाद हम बड़ा ऊ डालेंगे। बड़ा ऊ कैसे डलता है ये देखो, ऐसे इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाने के बाद जो है इसको हमने सारे जो पिछले किए हैं उनके साथ ही मिलाने की कोशिश की। कोशिश करनी है कि नीचे से थोड़ा लाइन के ऊपर ही रहे। अब हम रू की बात करेंगे। रू को देखिए आराम से देखना, इसको वीडियो को पॉज करके बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं तो आसानी से बना रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस है। आप आसानी से नहीं बना पाओगे, आप इसको बार बार देख करके बना सकते हो। इसके बाद ए, ए को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखो ऊपर से मैंने लाइन खींची और तिरछी लाइन खींचते हुए नीचे ले गया। अब बड़ी ए, अब बड़ी ए को ही ऐसे ही मैंने, ये देखो ऐसे घुमा दिया ऊपर से, एक जैसे लाम पंजाबी च लाम होती है इस तरह ही हमने लाम। अब बड़े, अब छोटे ओ की बात करते हैं, औरत की। वैसे हमने अ की तरह उसको घुमाया, ऊ की तरह घुमाया, नीचे से लाइन खींची, एक लंबी लाइन लगाई, साथ में लाइन लगाई, ऊपर हमने और डाल दिया तो ऊपर से हमने एक लाइन लगा दी। अब हम बड़े औ की बात करेंगे। जब हम औरत की बात करते हैं तो ऐसे ही हम जैसे पिछला हमने
ओ बनाया था, इसको ओ को ऐसे ही बनाएंगे। ध्यान से देख लेना बेटा, क्योंकि इसको बार बार देखने से आपको प्रैक्टिस होगी तो तभी आप कर पाओगे। अब अंग की बात करते हैं, वैसे ही अ हमने बार बार लिखा है वैसे ही लिखना है। अब लैसे लिख के इसके ऊपर लाइन लगा के बिंदी लगा देनी है। इसके बाद अ, तो अ के वैसे ही हमने अ बनाना है जैसे पहले बनाए हुए हैं बहुत सारे, उसके ऊपर लाइन लगा दी और उसके ऊपर दो डॉट आगे लगा दिए। तो ये था बेटा जो मैंने आपको बताया। तो इसी तरह बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे हमने इसको लिखना है, तो कुछ ज़रूरी गल्लां जिन्हें मैं तुहानू साझियां करा। सो क्लास हिंदी दी है, मैं थोड़ा भूल जाना है कि हिंदी च ही बोलना है। तो दोबारा शुरू करते हैं कि जैसे हमने देखा कि हम कैसे जो वर्ण हैं इनको डालेंगे। तो वर्ण डालने के लिए आपकी कॉपी के ऊपर जो है, जो टू लाइंस की कॉपी है वही होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल कॉपीज़ के लिए चाहिए आपको। आपको पहली बार हिंदी से लिखने का अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, तो बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखना ध्यान से कि जितने मैंने आपको राइटिंग करवाई है, जो स्वर मैंने आपको अभी राइटिंग करवाई है, उसको हमने थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना है। जैसे ये आपके सामने मैंने कुछ अक्षर जो हैं, वर्ण जो हैं आपके सामने हैं, तो जैसे मैंने स्वर करवाए थे, तो इससे इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है नीचे वाली जहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, ये वाली लाइन जो है इस लाइन को टच नहीं करना है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी लाइन को टच नहीं करना है, ऐसे टच नहीं करना है नीचे। अगर टच करोगे तो जो वर्ण हैं अक्षर हैं अच्छे से नहीं डलेंगे, उसमें आउटलुक नहीं आएगी, अच्छी बनावट सामने नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो आप, जैसे ई और बड़ी ई मैंने डाली है, इंक वाली भी डाली हुई है, तो इसमें क्या है कि इसमें टच किया हुआ है। तो आप ये मत कहना कि सर आप बहुत सारे जो वर्ण हैं उनको वो तो टच किए हुए हैं, लेकिन बाकी कोई भी वर्ण मैंने टच नहीं किया है। ई टच करती है क्योंकि ई की नीचे से जो बनावट है लंबी होती है, तो इसको थोड़ा सा टच करवाना पड़ता है। ये दो ई और बड़ी ई को टच मैंने करवाया है, बाकी किसी को भी टच नहीं करवाया है इस लाइन के नीचे। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन से टच नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरी बात कर लेते हैं कि कैसे हम जो वर्ण हैं अच्छे से डालें, अच्छे से अक्षरों को डालें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बात मैंने आपको बताई कि आप लाइन को टच नहीं करोगे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी अक्षर डालोगे तो आपकी पेन या पेंसिल, आप जो भी यूज़ कर रहे हो बेटा ध्यान से सुनना, उस पेन या पेंसिल को आपने कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जोर लगा के नहीं दबाना है, दबा करके जोर लगा के अक्षर नहीं डालने हैं, वर्ण नहीं डालने हैं। तो क्या करना है, आप जब भी आपका पेन पकड़ो, तो जैसे मैं मान लो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल आराम से जो है आराम से इसके ऊपर ऊपर डालना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर में भी, पहले इसके ऊपर डालने के लिए नहीं कह रहा, इसके जैसा आपने बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो पेन जो है आपका बिल्कुल सॉफ्ट चलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, ज़्यादा दबाना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या ध्यान रखना है। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि आपने जब भी कोई वर्ण डालना है, अक्षर डालना है, उसको साथ में बोलना भी है। अगर आप उसको बोलोगे नहीं तो आपके स्मरण में नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको जब भी अक्षर को डालना है, जैसे ये अ है मान लो, ठीक है, जैसे अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, छोटा उ है, बड़ा उ है, जो भी अक्षर आप डालोगे उसको साथ में बोलना है। जैसे मैंने पहला अ बोला तो अ से अनार, ठीक है, अ से अनार, तो साथ साथ में उसको बोलोगे भी, ठीक है। तो इससे जैसे आगे है बड़ा आ आम, ठीक है, तो बड़ा आ आम है, छोटी ई ईख है, तो बड़ी ई ईख है, सॉरी, छोटी ई इमली है। तो ऐसे ही जब भी कोई आप अक्षर डालोगे लिखोगे साथ में उसको बोलना भी है, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, चौथा पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। चौथे पॉइंट में ये है कि आपने जब भी कोई अक्षर डालना है तो कोशिश ये करनी है धीरे से आसानी से स्पीड कम रख के डालना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी से आपने करना है, बहुत जल्दी से करोगे तो अक्षर नहीं अच्छे नहीं डलेंगे, डलेंगे तो ज़रूर लेकिन उनकी बनावट अच्छी नहीं आएगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, चौथी बात का ध्यान रखना कि जब भी अक्षर डालोगे बड़े आराम से डालना, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे डालना। इससे क्या होगा कि आपकी जो बनावट है अच्छी आएगी, सुंदर आएगी, दिखने में भी सुंदर लगेगी। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जब होगी तो आप आसानी से इसको करना शुरू कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का स्वर। स्वर के बारे में मैंने आपको बताया है आज कि कैसे स्वर जो हैं कैसे डालने हैं, और स्वर डालने की जो कला है बहुत आसान है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है। जब जब आप अभ्यास करोगे तो इनको डालना शुरू कर दोगे। पाँचवीं बात कर लेते हैं कि क्या ध्यान रखना है। पाँचवीं बात बेटा ये है कि आपने जितने भी कठिन जो वर्ण हैं, कठिन स्वर जो हैं, ठीक है, कठिन स्वर जैसे ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, रू है, ठीक है, रू है, ठीक है, ये इसको डालना है। तो इसको डालने इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये आसान है, ऊपर से मैंने ऐसे नीचे ड्रा करता हूँ आपके लिए, वैसे मैं ऐसे नहीं लिखता, तो आप जो है इसको ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं तो कर लूँगा, लेकिन आपके करने के लिए जैसे मैंने ऊपर किया है, इसको ऐसे लिख के, ऊपर लिख के अभ्यास करना है, ठीक है। तो बच्चों, छठी बात कर लेते हैं कि छठी बात का किस बात का ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने एक बार सुंदर सुंदर लिख लिया, आपको लगा कि मैंने बिल्कुल जो जैसे सर ने बताया है वैसे ही लिखा है, तो वैसे ही आपने क्या करना है, उसके ऊपर लिखने का यत्न करना है, कोशिश करनी है, ठीक है, अभ्यास करना है। जैसे मान लो मैंने अ लिखा, ठीक है, अ जो लिखा मैंने, ठीक है, अ लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर कैसे लिखना है, इसके ऊपर ऊपर मैंने पेन को चलाना है, बार बार चलाना है, जब तक मुझे अच्छी तरह से लिखना ना आ जाए। तो बेटा, इन बातों का अगर ध्यान रखोगे, पांच छह बातों का, तो आपको लिखना आसानी से आ जाएगा। हिंदी में हिंदी के वर्ण जो हैं, हिंदी के वर्ण माला सारी की सारी आपको लिखनी आ जाएगी। मैंने अभी आपको स्वर के बारे में बताया है कि जो स्वर अक्षर हैं, स्वर वर्ण हैं, उनको कैसे लिखना है। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन ध्वनियाँ हैं हमारी, व्यंजन वर्ण हैं जो, वो कैसे लिखते हैं, उनके बारे में बात होगी। तो बेटा, अभी आप बैठ के इसकी अभ्यास करो, इसको बार बार लिखो। बार बार लिखने से आपकी अभ्यास होगी, आपको लिखना आ जाएगा। बोल बोल करके लिखना, ऊपर लिखना है, अभ्यास करनी है, जैसे लिखा है, जैसा मैंने बताया, जैसे ज़्यादा प्रेस करके नहीं लिखना है, आराम से लिखना है। तो ठीक है बेटा, तो आप अच्छे हो, अच्छे रहोगे, मास्क यूज़ करते रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, अच्छा खाना खाओगे, खूब पानी पियोगे, बड़ों का सत्कार करोगे, ठीक है, और अपना ख्याल रखोगे, छोटों से प्यार करोगे, अपने बड़े भाई बहनों का कहना मानोगे, तो घर का काम और स्कूल का काम लगातार करते रहोगे। तो बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यंजन जो होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो वीडियो वाइंड अप करता हूँ, आप इसको बार बार लिखने का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।